भक्ति वंदना के प्रायोजक हैं एग्जॉटिक कार्ड। वक्रतुंड महाकाय
सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव ते सर्वे कार्येषु सर्वदा। राशिफल के प्रायोजक हैं इंपीरियल वेडिंग्स। मीन राशि, आप
आज आपका ध्यान पूरा अपने प्रेम संबंधों में रहेगा। संतान के सहयोग से पारिवारिक कार्य पूर्ण करने में समर्थ रहेंगे। मानसिक तौर पर संतुष्टि प्राप्त होगी। मेष राशि, आज के दिन आपकी किस्मत का पहिया घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आपके लिए बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसका आपके कार्य क्षेत्र और निजी जिंदगी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हताश ना हो, बदलाव आवश्यक है। वृष राशि, आज के दिन आपको किसी महिला का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वहीं आध्यात्मिक तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। आपकी कई समस्याएं दूर होंगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मिथुन राशि, इस समय आर्थिक तौर पर जीवन में बदलाव होता नजर आ रहा है, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। कहीं ना कहीं कार्यों में रुकावट आ सकती है, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कर्क राशि, मन चाहिए इच्छा की पूर्ति के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। छोटी छोटी परेशानियां जीवन की समाप्त होंगी। कई कार्यों का आप पूर्ण रूप से दे पाएंगे। मकर राशि, आपका पूरा ध्यान अपने परिवार की तरफ रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता हो सकती है। घर की साज सजावट और घर की देखरेख से जुड़े तमाम काम पूरे करेंगे। कुंभ राशि, जीवन साथी से संबंध घनिष्ठ होंगे। हालांकि परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है। मानसिक तौर पर खुद को उलझा महसूस करेंगे। मीन राशि, आज आपका ध्यान पूरा अपने प्रेम संबंधों में रहेगा। संतान के सहयोग से पारिवारिक कार्य पूर्ण करने में समर्थ रहेंगे। मानसिक तौर पर संतुष्टि प्राप्त होगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके जीवन में कोई ना कोई प्रस्ताव लेकर आएगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जिससे आप उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। चीजों को समझना और जागरूक रहना जरूरी है। कन्या राशि, आपके लिए समय कुछ नया सीखने का है। इस समय कुछ नया सीखना आपके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कहीं ना कहीं विद्या से जुड़ी चीजों पर आपका ध्यान लगेगा। तुला राशि, आज के दिन आपकी कोई अच्छी खबर मिलेगी। धनु राशि, आपका पूरा ध्यान अपने परिवार की तरफ लगेगा। मानसिक विकारों को दूर रखने का समय है। अपने संबंधों को खूबसूरत महसूस करेंगे और जीवन साथी के प्रति मधुर व्यवहार रहेगा। आयुर्वेद और आदत के प्रायोजक हैं नेचर्स गिफ्ट। नमस्कार, मैं मानसी, स्वागत है आपका MMPV आवाज के खास कार्यक्रम आयुर्वेद और आदत में। आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आयुर्वेद हम व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के हमारे मेहमान हैं गौ कृपा निरोग धाम के संस्थापक नाड़ी वैद्य गोल्ड मेडलिस्ट संजय गुप्ता जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और MMPV चैनल के आपके सभी
टीम को भी और सभी सम्मानित दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। शुभकामनाएं इसलिए कि आप लोगों को जागरण कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों को उन तक पहुंचाने के एक शुभ प्रयास कर रहे हैं। सर, अब हमारे दर्शकों को आप गौ कृपा निरोग धाम के बारे में बताइए। जी, गौ कृपा से मतलब है गाय माता की कृपा। देखिए, हम जो है हमारे जैसे 36 कोटि के वैसे देवता होते हैं 36 प्रकार के, तो 36 करोड़ देवता भी कहा जाता है, तो 36 कोटि गाय कहे तो रोम रोम में देवता हैं। और गाय की जो भारतीय गाय, विदेशी या जर्सी या होलिस्टन जो गाय, जैसा एक पशु में उसकी नहीं बात कर रहा, भारतीय जो वेद लक्षणा गाय हैं उसकी महिमा तो मैं क्या वर्णन करूँ। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आपकी आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से आपको? मैं जो है नेचुरोपैथी से हूँ, वैसे NDDY और DNY मैंने किया हुआ है, राजघाट से भी किया हुआ है, और एक जो है ये ऑल इंडिया नेचर केयर फेडरेशन से भी मैं डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा। इसके अलावा मैंने ट्रेडिशनल मेडिकल अवेयरनेस फाउंडेशन जो भारत सरकार के योजना आयोग से अनुमोदित है, वहाँ से मैंने एक कोर्स किया हुआ है ट्रेडिशनल मेडिकल अवेयर। उसके अलावा मैंने गो विज्ञान का कोर्स किया हुआ है, नागपुर से भी किया हुआ है, कोटेश्वर से भी किया हुआ है, और मैंने जो है हरेवली में, यहाँ पे दिल्ली में भी होता है, वहाँ से भी किया हुआ है, और एक भारत गौ सेवक समाज का कोर्स किया होता है, ये सब किया हुआ है मैंने। अगर हम आपके उत्पादन की बात करें तो किस उम्र से आपका मतलब ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं? पैदा होने से लेके अंतिम सांस तक प्रकृति से जुड़े, पैदा होते ही हमारी भारतीय व्यवस्था में शहद चटाया जाता है। शहद भी आजकल प्योर तो मिलता नहीं है, आप सब सारा दिन रिपोर्ट्स में देखते ही होंगे, अखबारों में देखते ही होंगे, तो सबसे पहले शहद चटाने की परंपरा है कि नहीं, उसके बाद जन्म घुट्टी वगैरह की परंपरा है कि नहीं, तो उसी प्रकार पैदा होने से और अंतिम, अभी आपने देखा होगा कि लोग जो है ना कंपनियों के जॉनसन वगैरह के साबुनों से कितना आप अखबारों में देखते सुनते हो, मुझसे ज़्यादा हो, आप तो न्यूज़ चैनल से हो, उनसे कैंसर वगैरह की जो खबर आई वो सब केमिकल बेस हैं। अगर हम आपके प्रोडक्ट्स की बात करें तो महिलाओं के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास? देखो, महिलाओं का तो यूँ है कि पूरे घर की मालकिन महिला ही होती है ना, और महिला अगर समझ लें और वो स्वदेशी से प्यार करें, महिलाओं के सौंदर्य को निखारने के लिए या महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट? महिलाओं के लिए देखो, सबसे पहले अपनी रसोई से शुरुआत करें, रसोई में मसालों से शुरुआत करें, तो मसाले अपनी ऐसी औषधियाँ होती हैं कि मसाले ही सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। पहले मसाले होते थे हाथ के कूटे हुए या छोटी चक्की के कूटे हुए, बने हुए छोटी चक्की पे पीसे हुए, आजकल बड़े बड़े मिलों में बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती हैं, उसमें मसाला इतना गर्म हो जाता है, उसके पोषक तत्व और उसके एसेंशियल ऑयल्स जो उसके अंदर ज़रूरी तेल होते हैं मसालों के बीच में, वो उड़ जाते हैं और वो मसाला आपको फॉर्मलिटी रह जाता है। मेरे जो मित्र हैं आर्य योगी माथुर जी, कराला गाँव में हेलीपैड के पास उनका फार्म हाउस है, मेरी कई जो है मसाला कंपनियां मेरे अपने रिश्तेदारों की हैं। ये मुल्तानी मिट्टी, गाय का घी, हर्बल, चंदन पाउडर, ऐसे शुद्ध जड़ी बूटियों से बना हुआ है ये। क्या मतलब महिलाओं के फेयरनेस के लिए? बिल्कुल 100% फेयरनेस के लिए, स्किन अच्छी रहेगी, और जो है ये गौशाला में बना हुआ है, हरियाणा की गौशाला से, तो इसमें गौशालाओं की भी इनकम बढ़ती है। लेकिन ये अगर आप जैसे ये बाकी जो टीवी में दिखाए जाते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो कार्बोलिक होते हैं, उनमें हानिकारक केमिकल्स होते ही होते हैं, और ये 100% केमिकल फ्री है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चेक करा लो। ये जो शैम्पू है दीनदयाल गौशाला है मथुरा में, मथुरा से कुछ पहले आगरा मथुरा के बीच में फराह जगह आती है, फराह में ये दीनदयाल गौशाला है, RSS की बहुत बड़ी गौशाला है, और ये जो शैम्पू है कोई महंगा नहीं है, 190 रुपये का आधा लीटर है, आधा लीटर शैम्पू आपको बाजार में मेरे ख्याल से 1000-1200 का मिलता होगा, ये 190 रुपये का आधा लीटर शैम्पू है, 100% मेरी गारंटी है, बाल झड़ने ना बंद हो तो 190 के 290 में आपको वापिस दो। जैसे कि अभी हम ये एसेंस देख रहे हैं लिक्विड में ऑयल टाइप के रखे हुए, तो ये किस चीज़ के लिए है? ये नासी का ड्रॉप है, नाक में डालने की ड्रॉप है, हम इसमें गाय के घी में जैसे ब्रह्मनी शंख पुष्पी वगैरह गायों को खिलाई जाती है, गाय को स्पेशल जड़ी बूटियाँ, और उस घी से फिर एक दो हर्ब्स के संयोग से, हर्ब्स को उसमें भिगोकर, तो जो देसी गाय का घी होता है उसको दो दो बूंद नाक में डालें, दो दो बूंद नाभी में डालें डेली, 20 साल पुराना माइग्रेन भी ठीक होगा, डिप्रेशन ठीक होगा, माइग्रेन ठीक होगा, बालों का झड़ना ठीक होगा, ये होगा, और बिल्कुल प्राकृतिक है, आप जो है ना 1 साल के बालक को भी प्रेम से डाल सकते हो, गाय का घी तो है, गाय तो माँ है, माँ से भी ज़्यादा जो है ना, माँ से भी ज़्यादा
जो माँ भला सोचती है उससे ज़्यादा गाय भला सोचती है। देसी भारतीय गाय की बात कर रहा हूँ, जो बदनाम करती हैं वो जो जो मिक्स ब्रीड बना दी गई है, जो अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं उनके कर्म वो भुगत रहे हैं खैर, लेकिन जो भारतीय गाय हैं वो भारतीय गाय ही है। और किसान भी हमारे देश के जब ही दुखी हुए हैं जब उन्होंने गायें और बैलों से उनका आदर करना छोड़ दिया, ताज़ा भोजन देवताओं के लिए और बासी भोजन जंक फूड फास्ट फूड हो राक्षसों के लिए, पैक फूड इज डेड फूड। जैसे कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक और आयुर्वेदिक वेद में से आपके लिए कौन सा उपचार श्रेष्ठ मानते हैं? जो जिससे ठीक हो जाए वे सारे श्रेष्ठ हैं जी। मैं तो ये एलोपैथी में बड़े बड़े हाथियों से तो हम टक्कर ले नहीं सकते, वहाँ तो 20-30-40-50 हज़ार रुपये खर्च करके 2-5-7-10 हज़ार क्या लाखों 20-30 लाख, तो उसमें वो क्या है कि पैसा जो है हमारे जो ऋषि मुनि कहते हैं ना कि ये दुखों की जड़ है, तो सारे दुखों को खींच लेते हैं डॉक्टर्स। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो उससे बचने के लिए आपके पास कोई? कोरोना से बचने का व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, और कोरोना से सब लोग जो है बहुत ज़्यादा, और हमारे तो जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री उनकी खुद की खांसी भी नेचुरोपैथी में ठीक हुई है, पता कर लो जिसको नहीं पता, वो बेंगलोर जा के खांसी ठीक हुई है, किसी में दम था तो उनकी दिल्ली में खांसी ठीक करके दिखा देते, क्यों उनको बार बार बेंगलोर जाना पड़ा, मफलर किसने छुड़ाया, नेचुरोपैथी ने छुड़ाया। तो एलोपैथी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारे पास इलाज नहीं है, एलोपैथी कह रहा है मेरे पास इलाज नहीं है, लोग कहते नहीं 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 हमें तो आप ही से इलाज कराना है, वो कहते अरे भाई नहीं है मुझे मेरे पास इलाज, नहीं 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 हमने तो आप ही से इलाज कराना है। हमारे देशवासियों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? देशवासी देश के अनुसार रहे ना, देशवासी अपने देश का आदर करें ना, अपने देश की परंपराओं का आदर करें ना। हमारे देश में जो है ना, हमारा देश जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तो गीता ज्ञान को जो है ना दबाया गया क्योंकि देश को बर्बाद करना था लोगों ने, तो अब अपने बालकों को गीता ज्ञान सिखाएं। एक जो है गूगल पे सर्च कर लें पुण्यानंद जी महाराज, पुण्यानंद जी महाराज सर्च कर लें गूगल पे, और पुण्यानंद जी महाराज को जब आपके बालक जो है ना वो कानों में लीड लगा के आलतू फालतू की उल्टी चीज़ें देखते हैं और जो है ना पता नहीं क्या क्या गंद देखते हैं, उसकी बजाय अपने जो है ना किसी संस्कृति को बिगाड़ने वालों की नशेड़ियों की, अब तो हम कह सकते हैं तो प्रूफ हो गया ना, तो नशेड़ी और नशेड़ी और बोतों की जो भाषा है देशद्रोही की है, तो नशेड़ी और देशद्रोही भांडों की फिल्म देखने के बजाय संत महात्माओं को सुने। पुण्यानंद जी महाराज होते हैं वो गीता पढ़नी सिखाते हैं, जो आपके ये कथावाचक आते हैं ना इनको सिठानियों को नचा के और चेली बनाने से मतलब है, ये आपको गीता पढ़नी नहीं सिखाएंगे, जिंदगी में नहीं सिखाएंगे। 1000 में से 999 कथावाचक आपको कभी नहीं कहेंगे गीता पढ़ो, कभी नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे भाई, उन्होंने तो आपको मूर्ख बनाना है, आपके पैसे समेटने हैं और आपको राधे राधे करके नचा नचो के और चले जाना है। MMPV आवाज की टीम और दर्शकों के लिए एक संदेश? आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपके दर्शक बहुत अच्छे हैं, और आप जो स्वदेशी का जागरण कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। बाहर मेरा एक बार कैंप भी, कहीं पे भी कैंप लगवा सकते हैं और कहीं पे भी फ्री कैंप, अभी मेरा जीवनधारा सेवा समिति में फ्री कैंप लगा था 24 सेक्टर में, 20,000 रुपये की लगभग दवाइयाँ हमने बांटी थी गोतीरथ की। तो ऐसे गाँव देहात में जाके भी 100-200 लोगों का भी जो पैसे बाई चांस देखो किसी पर पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो हम निःशुल्क भी ट्रीटमेंट देते हैं और योगा सिखाते हैं। योगा ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है वैसे तो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपनाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आप सोना जगना उठना चल सब अपना नियम से करते हैं, प्रकृति के अनुसार करते हैं, तो बीमार होने का मतलब ही नहीं, बीमार होने के लिए हम संसार में नहीं आए। और लोग कहते हैं ना बीमारी जिंदगी भर चलेगी, ठीक नहीं होगी, परमात्मा का नाम ही अनित्य है, बाकी सब परमात्मा का नाम ही नित्य है, सदा से सदा तक शाश्वत है, बाकी जो बीमारियां हैं अनित्यम, ये अनित्य हैं, आगमा पायनो आने जाने वाली हैं, ठीक होने के लिए बनी हैं। जो यही भांति बने संयोगा राम कृपा नासिन सब रोगा, सिर्फ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो चुटकी भर जो जड़ी बूटियां काम करती हैं। और आप जैसे शुगर होने के बाद आप कड़वी चीज़ें खाते हैं करेला वगैरह, तो पहले से ही सारे रसों का आदर करो ना, पहले से ही खाली गेहूं के क्यों पीछे लगे हुए हो, पहले से ही कभी जौ का आटे की रोटी खाओ, कभी मक्की के आटे की रोटी खाओ, कभी बाजरे के आटे की, कभी ज्वार के, अलग अलग रसों का आनंद लो ना, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ अलग अलग का आनंद लो। और आपकी टीम के लिए, आपके जो दर्शक हैं उनके लिए एक कंसल्टेंसी मेरी तरफ से फ्री रहेगी। मेरे यहाँ आएगा कोई भी एक कंसल्टेंट, आपके अगर चैनल का नाम लेता है एक कंसल्टेंसी फ्री रहेगी। फ़ोन नंबर 8826975661 8826975661 और दूसरा नंबर 9868411869। योगा टीचर, नेचुरोपैथी डॉक्टर, गो विज्ञान से गव्यसी डॉक्टर और जड़ी बूटियों का तो हमारा कई पीढ़ियों से हमारे जो बड़े हैं वो जड़ी बूटियों के मर्मज्ञ रहे हैं और जड़ी बूटियों से निःशुल्क ही सबने सेवा करी है। तो कहीं पे निःशुल्क कैंप लगवाने के लिए भी आप, अभी आपने देखा होगा मेरा 30 जारी में कैंप लगा था,
पुलिस मुख्यालय में भी कैंप लगा था, अभी भी सिविल लाइंस में भी कई बार कैंप लगे हैं। तो कभी भी आप कहीं भी कैंप लगवाने के लिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बहुत सारे कैंप लगवाए हैं, हमारे यहाँ की जो है MLA ने बहुत कैंप लगवाए हैं, तो कभी भी कैंप भी लगवाने के लिए आप, निःशुल्क कैंप लगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हो, नंबर मैंने बोल दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ नाड़ी वैद्य संजय गुप्ता जी। आगे भी हम आपको आयुर्वेद और आदत में ऐसे ही वैद्य से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए MMPV आवाज़। धन्यवाद।